दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूं, क्योंकि आज की इस स्पेशल वीडियो से मैं एक सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे काफ़ी देखा है, बहुत पहले से भी देखता आ रहा हूं कि एक्सीडेंट वाली वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं, और आपके भाई को व्यूज़ चाहिए और ये भी चाहिए कि समाज को अच्छा संदेश पहुँचे। तो इस एक्सीडेंट वाली वीडियो से क्या होगा दोस्तों, कि आप लोगों के दिमाग में ये रहेगी कि हाँ भैया एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट अच्छे खासे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो मंजर ही भयानक होता है। तो आप लोगों को याद दिलाते रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सीडेंट जो है ना दोस्तों, सिर्फ आपकी गलती से नहीं होता है, सामने वाला भी कब ऐसी गलती कर दे जो एक्सीडेंट का रूप ले लेती है। तो चारों तरफ चौकन्ना रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर एक्सीडेंट जो होते हैं हाईवे पे होते हैं, क्योंकि लोग जो है ना ऐसा समझते हैं कि भैया हम तो स्वर्ग में कार चला रहे हैं और एकदम हाई स्पीड पे चलाते रहते हैं और कब कौन कहाँ कैसे एक्सीडेंट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और घर पे लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इस वीडियो से हमने दोस्तों एक्सीडेंट वाली वीडियो की शुरुआत कर दी है, और आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक इको स्पॉट जो भारत से जा चुकी है और XUV700 जो नई है और सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, काफ़ी सेफ कार है, दोनों में टक्कर हुई। जब दोनों में टक्कर हुई तो उनमें बैठे लोगों का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों, वाराणसी बबतपुर हाईवे से होते हुए इको स्पोर्ट जो है एकदम सीधे रास्ते चल रही थी और अच्छे खासे स्पीड में थी, लेकिन XUV700 बगल के ही मोड़ से कट से XUV700 निकली, इको स्पोर्ट को टक्कर मार दिया। तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि XUV700 ने गलती की है और दोनों में टक्कर हो गई दोस्तों, और ये जो टक्कर थी काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार हुआ था। दोनों कार जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई, लेकिन XUV700 कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई। तेज रफ्तार होने की वजह से इसका लेफ्ट साइड जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर घुस गया, बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद XUV700 का एयर बैग नहीं खुला। अधिकतर एक्सीडेंट में दोस्तों हमने देखा, ये वीडियो तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सीडेंट वाली, लेकिन एक्सीडेंट वाली वीडियोस मैं लगभग 2-3 सालों से देखते आ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों कि हाईवे पे चलाएं तो काफ़ी सूझबूझ समझदारी से चलाएं, क्योंकि ये जो सीरीज है ना दोस्तों समझदारी वाला सीरीज है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों XUV700 का एयर बैग नहीं खुला, जबकि फ्रंट में इतना ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि XUV700 में बैठे लोग सेफ हैं, इससे पता चलता है कि XUV700 भी अच्छी सेफ कार है। वहीं बात करते हैं दोस्तों इको स्पोर्ट की। इको स्पोर्ट तो भैया अपने हाईवे पे जा रही थी, अच्छे स्पीड में थी, और बगल वाले मोड़ के रास्ते से XUV जो है आ गई अचानक हाईवे पे, तो टक्कर हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाई ठीक से, और इको स्पोर्ट पे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इको स्पोर्ट की राइट साइड में आप देख रहे हैं ना दोस्तों कितना इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं XUV700 से तो इस पर कम असर हुआ, और इसका जो एयरबैग है समय रहते तुरंत खुल गया, तो इस पर भी जो बैठे पैसेंजर थे वो भी सुरक्षित हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना, अपनी गलती की वजह से नहीं, दूसरे की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, और ये जो दोनों कार है ना दोस्तों, दोनों कार सेफ थी इसलिए इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित बच गए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि सुरक्षित कार लीजिए, सेफ कार लीजिए। और अभी दोस्तों इको स्पोर्ट लेने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई है। इको स्पोर्ट एक ऐसी कार थी भारत में जो कम पैसे में अच्छा कार देती थी, SUV देती थी, कॉम्पैक्ट SUV देती थी और सेफ कार देती थी। आपने देख लिया ना दोनों कार, एक कहाँ XUV700 और एक कहाँ इको स्पोर्ट जो बंद हो चुकी फोर्ड, वो दोनों में टक्कर हुई, लेकिन फोर्ड ने अपने पैसेंजर की जान बचाई और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों के लिए एक स्पेशल टिप्स भी निकल के आता है कि अगर आपका बजट 4 लाख से 6 लाख के बीच है और आप एक SUV कार लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि आप फोर्ड की इको स्पोर्ट ले लें, एक नंबर कार है। वीडियो में आपने देख ही लिया कितनी सेफ कार है, और सबसे अच्छी बात यह है ना दोस्तों कि इको स्पोर्ट जो है ना, जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भैया इसमें माइलेज नहीं है, वो लोग पेट्रोल की कार उठाइए और CNG उसमें डलवाइए, एक नंबर परफॉर्मेंस रहता है और माइलेज भी अच्छा देती है। तो दोस्तों आज का ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।